दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक भारत का रेलवे नेटवर्क है। देश के ट्रेनों की औसत गति 36 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 112 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। अपने देश में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का सबसे बड़ा साधन ट्रेन ही है। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि कौन सी ट्रेन सबसे ज्यादा फास्ट चलती है। वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। आइए दोस्तों जानते हैं स्पीड की दृष्टि से टॉप 10 ट्रेन कौन से हैं। नंबर 10, मुंबई CST सुविधा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों, वैसे तो सुविधा सुपर फास्ट एक्सप्रेस की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसकी औसत एवरेज स्पीड 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसीलिए इसे 10वें नंबर पर रखा गया है। यह ट्रेन महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और बिहार में पटना जंक्शन को जोड़ने वाली पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन है, जो सप्ताह में 2 दिन चलती है। नंबर 9, कोटा निजामुद्दीन जन शताब्दी एक्सप्रेस और महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। दोस्तों, नंबर 9 पर है दो ट्रेन्स जिनकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोटा निजामुद्दीन जन शताब्दी एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। यह कोटा जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के बीच चलती है। इसकी एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड 70.92 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 आवर्स 35 मिनट में यह 455 किलोमीटर की दूरी तय करती है। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मुंबई में बांद्रा टर्मिनस और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन के बीच सप्ताह में 2 दिन चलती है। 1367 किलोमीटर की दूरी यह मात्र 19 आवर्स में तय करती है। नंबर 8, लोकमान्य तिलक AC एक्सप्रेस, स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है। इसकी औसत स्पीड 76.37 है। अपनी औसत स्पीड में यह 1521 किलोमीटर की दूरी 19 आवर्स 50 मिनट्स में तय करती है। नंबर 7, मुंबई अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस और हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस। मुंबई अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद जंक्शन के बीच सप्ताह में 6 दिन चलती है, रविवार को यह नहीं चलती है। इसकी औसत गति 68.51 किलोमीटर प्रति घंटा है। हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस की ऑपरेटिंग स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। यह शताब्दी एक्सप्रेस श्रेणी की सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। यह पूर्वी रेल जोन में हावड़ा जंक्शन और रांची जंक्शन के बीच चलती है, रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है। ट्रेन की एवरेज गति 70.66 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 6, बांद्रा निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस, हावड़ा आनंद विहार युवा एक्सप्रेस, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस और हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों, टॉप 6 पर 4 ट्रेन्स हैं, क्योंकि इन सब की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा तो है, लेकिन औसत गति नंबर 7 की ट्रेनों से ज्यादा है। बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन गरीब रथ कैटेगरी में सबसे फास्ट और पूरी तरह से एयर कंडीशन ट्रेन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है और औसत गति है 81.96 किलोमीटर पर आवर। ये बांद्रा टर्मिनस और हजरत निजामुद्दीन के बीच 1366 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हावड़ा आनंद विहार युवा एक्सप्रेस दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल और कोलकाता को जोड़ने वाली सुपर फास्ट ट्रेन है। दोस्तों, इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है और औसत ऑपरेटिंग स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर है। सप्ताह में 1 दिन चलने वाली ये ट्रेन 1447 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मुंबई राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो मुंबई सेंट्रल और नई दिल्ली के बीच चलती है। इसकी ऑपरेटिंग स्पीड 89 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह दिल्ली और मुंबई के रूट की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। यह 1384 किलोमीटर की दूरी 15 आवर्स 42 मिनट्स में तय करती है। नंबर 5, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से द्वारका सेक्टर 21 दिल्ली मेट्रो लाइन है। इसे ऑरेंज या येलो लाइन भी कहते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस की स्पीड 132 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 4, सियालदा दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस। सियालदा और न्यू दिल्ली के बीच चलने वाली फास्टेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस में से एक है। गति के हिसाब से ये देश में 4th नंबर पर है। इसकी ऑपरेटिंग स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर है। इसकी एवरेज स्पीड 86 किलोमीटर पर आवर रखा गया है। 1453.23 किलोमीटर की जर्नी यह 16 घंटे 55 मिनट में पूरी करती है। नंबर 3,
हबीबगंज दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस देश की तीसरी फास्टेस्ट ट्रेन है। इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है। शताब्दी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली और हबीबगंज के बीच चलती है। हबीबगंज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। शताब्दी एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर है। यह 707 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 25 मिनट में पूरी करती है। नंबर 2, गतिमान एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में दूसरे स्थान पर है। यह दिल्ली से झांसी के बीच चलती है। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन एक तरह से जाने में 188 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें मात्र 100 मिनट लगते हैं। इसकी एवरेज स्पीड 95.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। फ्राइडे को छोड़कर यह सप्ताह में 6 दिन चलती है। नंबर 1, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं देश के उस ट्रेन के बारे में जो सबसे तेज रफ्तार से चलती है। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है। इस सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन को 15 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।